हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हमारे समक्ष है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, यानी देखा जाए तो एससीपी के चैप्टर जो यहाँ पर है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वह है महाकाव्य रामायण तथा महाभारत का ऐतिहासिक महत्व। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द एपिक ऑफ हिस्ट्रिकल इम्पोर्टेंट ऑफ रामायण एंड महाभारत। ये सब टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हम इसके महत्वता के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक यहाँ पर एनालाइज करेंगे। लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक आया है कई मायने में महत्वपूर्ण है, महाकाव्यों का महत्व। यहाँ पर हमने रामायण और महाभारत का जो है ऐतिहासिक महत्व और इसकी समय अवधि, और रामायण की भी हमने ऐतिहासिक महत्व और समय अवधि के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अब हमारे समक्ष जो आया है महाकाव्य का महत्व, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो आया है हमारे समक्ष भारतीय साहित्य में योगदान। देखिए दोनों महाकाव्य का भारतीय साहित्य में क्या योगदान है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहते हैं भारतीय साहित्य में योगदान क्या था। रामायण एवं महाभारत दोनों ही महाकाव्य भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये दोनों का अपना विशेष महत्व है। चाहे जो भी जो विचारक ने अपनी विचारधारा रखी हों, लेकिन रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है और इनका अपना ही भारतीयों के दिलों में स्थान है तथा वो भारतीय समाज की उच्च कोटि की दार्शनिक रचना भी मानी जाती है, क्योंकि भारतीय समाज के लिए रामायण और महाभारत से आगे कोई भी रचना दार्शनिक नहीं है। और ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए महाभारत और रामायण एक मार्गदर्शन का काम करता है। और ये दोनों महाकाव्य संस्कृति साहित्य में दुनिया के सबसे बड़े काव्यांतक ग्रंथ भी है। कहते हैं दुनिया में विश्व में अब तक ऐसे महाकाव्य की रचना आज तक नहीं हुई और ना कभी हो सकती है। सिर्फ भारत में ही ये दो महाकाव्य जो है भारतवासियों के दिलों में वास करता है। महर्षि वाल्मीकि एवं वेदव्यास रचयित रामायण महाभारत प्राचीन भारत के अमर कवियों कालिदास, भवभूति, गर्वी, माघ, तुलसीदास, कम्बन जैसे महान कवियों के जो है प्रेरणा सतर पर रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण है कि महाभारत की रचना किसने किया था और रामायण की रचना किसने किया था। तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास द्वारा रचित की गई थी महाभारत की, और रामायण को जो रचना की गई थी महर्षि वाल्मीकि ने किया था। लेकिन आगे चल के इसको अमर बनाने का श्रेय जो है कई लोगों को जाता है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत। कहते हैं महाभारत प्राचीन भारत के अमर कवियों ने इसको अमर बना दिया। इसमें कालिदास थे, भभूति थे, भारवी थे, माध थे और तुलसीदास थे। इवन कि कम्बन जैसे अन्य महान कवियों ने जो है इसको चरम कोटि पे पहुंचा दिया, जो इसकी महत्ता को यहाँ पर दर्शाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है ऐतिहासिक स्रोत के रूप में महाकाव्य। देखिए ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भारतवासियों के लिए ये महाकाव्य एक प्रेरणा का स्रोत है। कहते हैं महाकाव्य भारत के ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में हमें मदद करती है और अपने समय के सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति एवं राजनीतिक इतिहास का उल्लेख भी करती है। क्योंकि भारत में पहले जो है लिखने की प्रावधान नहीं थी, लेकिन महाभारत और रामायण ने जो है भारतीय समाज में सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति एवं राजनीतिक इतिहास का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से वर्णन किया है। महाकाव्य में हमें बताते हैं कि आर्यों की सभ्यता मात्र उत्तरी भारत में ही सीमित नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत तक ये विस्तृत थी। ये बहुत बड़ी बात जो है हमें इन महाकाव्यों से पता चलता है कि आर्य सभ्यता की जो है सिर्फ उत्तर भारत में ही सीमित नहीं थी,
बल्कि दक्षिण भारत तक ये विस्तृत थी। इनके द्वारा हमें आर्यों तथा अनार्यों तथा आर्यों के बीच आपस में हुए युद्ध का भी हमें पता चलता है। इसके द्वारा हमें यह समझने में काफ़ी मदद मिलती है कि आर्यों ने इस देश में अपनी शक्ति एवं स्वच्छता जैसे कैसे हासिल की। कहते हैं दोस्तों, पुराने ग्रंथों से हमें बहुत सी बातें का जो है उल्लेख मिली है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये युद्ध महाभारत हो या रामायण हो, उसमें मार्गदर्शन तो है ही है, प्लस एक आदर्श भी इसमें जो है प्रस्तुत की गई है। और कई क्षेत्रों में जो है ये अपना ही अलग स्थान एवं स्वच्छता के बारे में बताती है। इवन कि हम इसमें जो है कई सभ्यताओं के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगे जो हमारे समक्ष आया है तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का चित्रण। कहते हैं महाकाव्यों के माध्यम से हमें भारत में राजनीतिक संस्थाओं के अस्तित्व का पता चलता है, और यह काव्य हमें तत्कालीन शासकों के अधिकार, कर्तव्य एवं उनकी सीमाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताता है। इनसे हमें उस समय में व्यवस्थित जनतंत्र शासन व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये महाकाव्यों में उस समय के शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। महाकाव्य से हमें भारत के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले जनजातियों के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त होती है। अयोध्या, हस्तिनापुर एवं इंद्रप्रस्थ जैसे शहरों के नाम पहली बार हमें इन महाकाव्य से ही पता चला, और कोषा, रास, दुर्ग, जन, राजन, मंत्री, अमात्य आदि राजनीति शब्द भी महाकाव्य को बार बार प्रकट होते हैं। यानी देखा जाए तो हमने बहुत सी बातें जो हैं इन महाकाव्य से ही हमें पता चला। हमने अयोध्या के बारे में भी जाना, हस्तिनापुर के बारे में भी जाना, और इवन कि इंद्रप्रस्थ के बारे में हमें इन्हीं महाकाव्यों से ही पता चला। साथ में देखा जाए तो हमने बहुत से शब्द जो हैं महाभारत से ही प्राप्त किए हैं, जैसे कोशा, राष्ट्र, दुर्ग, जन, राजन, मंत्री, अमात्य, ये सारे शब्द महाकाव्य में बार बार जो है लिखी गई है, और ये सब बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे है सामाजिक चित्रण। देखिए, महाकाव्य से हमें पता चलता है कि उस समय हमारे समाज में किस तरह के प्रशासनिक नियंत्रण थे, यानी सब हमें महाकाव्य से ही ज्ञात होता है। राजा जनता से जो है टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरते थे, और राजा सजा देने एवं क्षमा करने के लिए सुरक्षा अधिकारी होता था। पुजारी धार्मिक कर्मकांड तथा राज्य के हितों में बलि देने का काम भी करता था, ताकि राज्य को बुरी नज़रों से बचाया जा सके। समय बीतने के साथ साथ पुरोहित शासक भी शक्ति हासिल करने लग गए, राजा को प्रभावित भी करने लगे। यानी देखा जाए तो हमें उस समय से ही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हमें पता चलता है, और उस समय किस प्रकार जो है राजा प्रमुख होता था, और वह सर्वोच्च अधिकारी भी होता था। इवन की सजा देने की और क्षमा करने की जो अधिकार था सिर्फ राजा के पास ही होता था, और राजा जो है अपने राज्य चलाने के लिए जनता से टैक्स वसूला करता था। और इवन की उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी पुजारी, यानी पुजारी वर्ग का, जो कि ब्राह्मण वर्ग के रूप में उस समय प्रचलित थी। कहते हैं इनका काम था धार्मिक कर्मकांड करना और बलि दे के जो है राज्य को बुरी नज़रों से बचाना। लेकिन समय बीतने के साथ साथ धार्मिक जो पुजारी हुआ करते थे उनको राजनीतिक में भी हस्तक्षेप करने शुरू कर दिए, और इसे आपने देखा ही होगा कई क्षेत्र में ये धार्मिक लोगों ने राज्य को उखाड़ा भी और राज्य को बसाया भी। क्योंकि पुरोहित अत्यधिक विद्वान माने जाते थे, इसलिए राजा भी उनकी बातों को मानते थे, और जैसे पुरोहित लोग कहते थे राजा भी उनके इशारों पर ही नाचते थे। सैनिकों के हथियार चलाने एवं उनके प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, और सैनिक राजमहलों की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार भी होते थे। तो ये समाज चित्रण काफ़ी महत्वपूर्ण यह बात बताती है। उस समय तक जाति व्यवस्था प्रचलित हो चुकी थी, यानी देखा जाए तो उस समय जो है जाति प्रथा प्रचलित हो चुकी थी, किंतु इतनी सख्त नहीं थी जितनी जो है आने वाला समय में था। महाकाव्यों से प्राप्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि समय ग्रामीण समाज था,
यानी उस समय ग्रामीण समाज था और सब मिलजुल के रहते थे। जनता आत्मरक्षा हेतु अपने पास हथियार रखती थी एवं युद्धों के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तभी उस समय जो है लाखों जो है करोड़ों सैनिक की बात कही गई थी, क्योंकि सारे जनता जितने भी थी वो सैनिक भी बन सकते थे। शासक का चुनाव वंश परंपरा से हुआ करता था, यानी पिता के बाद जो है पुत्र और पुत्र के बाद उसके पुत्र, यानी ये वंशागत होती थी परंपरा, यानी दादा के बाद जो है उसके पूर्वजों के ही पूर्वज उसके जो है राज करते थे। जैसे रामायण में भी आपने देखा होगा और महाभारत में भी आपने देखा होगा कि एक ही वंशज के व्यक्ति जो है बार बार राजा बनते रहते हैं, कभी बेटा बनता है, कभी पोता बनता है, कभी दादा बनता है। तो इस तरह की जो है प्रक्रिया परंपरागत तो होती रहती थी। जनता के प्रमुख आर्थिक स्रोत जो होते थे कृषि उत्पादन ही थे। उस समय जनता जो है कृषि पर ही अपना जीवन निर्भर करते थे और सरकार भी जो होती थी उस समय जो राजा होती थी वो इन्हीं कृषि स्रोतों पर जो है टैक्स लगा के जो है खजाना भरते थे। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे उद्योग जैसे कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना, कृषि उत्पादन बनाना इत्यादि शामिल उस समय अवश्य थी। उस समय के मनोरंजन के साधनों में जुआ खेलना, घुड़दौड़, शिकार करना आदि प्रचलित थी। हमें रामायण महाभारत में दोनों जगह मनोरंजन के साधनों के रूप में हमने इन्हीं चीज़ों को जो है अनुसरण किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे हमारे समक्ष जो पॉइंट आया है, जनता की नैतिक मूल्य वाले जीवन शैली, ये रामायण महाकाव्य और महाभारत महाकाव्य के अंतर्गत है कि जनता की नैतिक मूल्य वाले जीवन शैली। कहते हैं महाकाव्य तत्कालीन समय की जनता के सद्गुण एवं आदर्श वाली जीवन शैली का वर्णन करते हैं, यानी महाकाव्य तत्कालीन समय की जनता के सद्गुण एवं आदर्शों वाली जीवन शैली का वर्णन करते हैं। रामायण के पात्रों द्वारा प्रस्तुत आचरण एवं उनके आदर्श चरित्र न सिर्फ उस समय में बल्कि आज तक भारत में व्यक्तियों के उच्च चरित्र मानदंडों को परिभाषित भी करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि महाकाव्य तत्कालीन समय की जनता की सद्गुण एवं आदर्शों वाली जीवन शैली का वर्णन करते हैं। रामायण के पात्रों द्वारा प्रस्तुत आचरण एवं उनके आदर्श चरित्र न सिर्फ उस समय में बल्कि आज तक भारत में व्यक्तियों के उच्च चरित्र मापदंडों को भी जो है परिभाषित करते हैं, क्योंकि दोनों ही महाकाव्य में जो चरित्र प्रस्तुत की गई है वो आदर्शमय है। कहते हैं एक आदर्शवादी है। कहते हैं श्री राम और सीता का जीवन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा से आदर्श रहा है और सदैव आदर्शमय ही रहेगा। राम हमारे लिए आज भी एक आदर्श पुत्र, सर्वोच्च सैनिक एवं आदर्श पति एवं राजा माने जाते हैं और सीता आज भी भारतीय नारियों के लिए आदर्श पत्नी एवं लक्ष्मण एक आदर्श भाई के रूप में आज भी पूजे जाते हैं। तो देखा जाए जनता की नैतिक मूल्य वाले जीवन शैली जीने के लिए ये पात्र जो हैं एक आदर्शमय जीवन को जो है प्रस्तुत किया है। और देखा जाए हर व्यक्ति जो यही सोचता है कि उसके बच्चे जो हों राम जैसे हों, सीता जैसे हों या लक्ष्मण जैसे ही हों, उसी प्रकार युधिष्ठर को धर्मराज एवं कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। यानी देखा जाए तो महाभारत में युधिष्ठर जो थे धर्मराज थे, जिन्होंने सदैव ही सत्य का अनुसरण किया था, और कृष्ण जो थे भगवान विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ पर उल्लेख हुए हैं, जो जन जन को जो है सही मार्गदर्शन कराने के लिए अतुल थे। देखा जाए तो आगे है हिंदुओं के धार्मिक जीवन का आधार। कहते हैं हिंदू के लिए रामायण महाभारत धार्मिक जीवन का एक प्रमुख आधार बन गया है। रामायण एवं महाभारत दोनों ही महाकाव्य हिंदू जनता के लिए पवित्र ग्रंथ है। कहते हैं गहन निराशा एवं दुख की स्थिति में हमारा समाज इनसे प्रेरणा एवं सतावना प्राप्त करता है और यह रामायण एवं महाभारत का ही असर है कि हिंदुस्तानी समाज में दयालुता एवं सहिष्णुता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है और इन ग्रंथों के द्वारा हमारे समाज में ऐसे ईश्वर की परिकल्पना की गई है जो हर उस व्यक्ति की मदद करने की तात्पर्य रखता है जो उसका भक्त है। यानी ईश्वर यहाँ पर हर समय अपने भक्तों के लिए जो है तैयार रहते हैं उनके कल्याण के लिए।
वास्तव में रामायण और महाभारत के चरित्र हमारे पौराणिक नायक हैं, जिनकी भगवान के अवतार के रूप में पूजी जाती है। यानी देखा जाए तो राम हो चाहे कृष्ण हो, सभी विष्णु के अवतार के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुए हैं और इनको जो है सभी हिंदू धर्म के लोग जो है मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो देखा जाए तो हिंदुओं के धार्मिक जीवन का, रामायण का और महाभारत के पात्र ईश्वर का प्रतीक है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सांस्कृतिक महत्व। कहते रामायण व महाभारत भारतीयों के लिए एक काव्य रचना मात्र नहीं है, बल्कि वे करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इन काव्य रचनाओं का भारत की विभिन्न भाषाओं के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भाषाओं में भी लिखा गया है एवं इनका गीत संगीत, नृत्य, नाटक एवं कविताएं की विभिन्न शैलियों में मंचन भी किया जाता है। रामायण महाकाव्य में वाल्मीकि ने ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, धर्मशास्त्र और पवित्र तपस्या की शक्ति को जो है उज्जवल पहलुओं का वर्णन किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामायण महाकाव्य में वाल्मीकि जी ने ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र और धर्मशास्त्र और पवित्र तपस्या के शक्तियों को जो है उज्जवल किया है। इतिहासकार बी एन लूनिया के इनके बारे में कहा है कि इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये दोनों महाकाव्य बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उस समय के सामाजिक एवं संस्कृति संगठन एवं राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में बहुमूल्य जानकारी भी हमें प्रदान करती है। तो यहाँ पर वी एन लूनी ने बहुत ही आसान तरीकों से ये बात बताई है कि ये दोनों महाकाव्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और ये सामाजिक और संस्कृति संगठनों में जो बहुमूल्य जानकारी हमें देती हैं। इवन की देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि रामायण एवं महाभारत इन दोनों महाकाव्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भारत या भारतीय मानस की पूर्णता समझ नहीं सकता है। यानी अगर भारत को आपको समझना है तो जो है रामायण और महाभारत को भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं में जो है भारतीय संस्कृति की वो गरिमा छुपी हुई है, जिससे आज बहुत से लोग अनभिज्ञ होते चले जा रहे हैं। और देखा जाए तो हम रामायण महाभारत के जो कहते हैं चरित्र है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज हम अराजकता के कुछ चक्र में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन कराती है, और ये जनमानस को समझना चाहिए कि कोई चीज़ें हमें अगर अच्छी बात बताती है तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण रह जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आने वाला चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा चरित्र है कि हम त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप इसके वीडियो देखते हो, समझते हो, तो आपका भी जो है कर्तव्य जितना हो सके इस वीडियो को जो है आगे पहुंचाना। और इसके लिए आपको कोई प्रचार नहीं करना है, ना किसी बच्चों को कहना है, आपने सिर्फ एक छोटा सा कार्य करना है, YouTube से लिंक को कॉपी करके WhatsApp एड्रेस पे लगा देना है, जिसे जो बच्चे जो कक्षा में होंगे उनको यहाँ पर हर एक वीडियो मिल जाएगा, चाहे वो 8th क्लास में हो चाहे MA में हो, सभी के लिए वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये आपके एक प्रयास से दूसरे बच्चे तक त्रिपाण स्टडी सेंटर बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। तो ये प्रयास को कभी जो है न भूलिए, क्योंकि भूल जाइएगा तो आने वाला वीडियो भी आपको शायद न मिले, क्योंकि त्रिपाण सेंटर नहीं रह पाएगा। जितना हो सके शेयर करने की भावना रखिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जानना सी बात है अगर समझ में आ रहा है तो आप जितना हो सके मन में सब्सक्राइब करने की भावना रखिए, और जो रेड बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।